आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश में किसानों द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज से 10 जून तक आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन को लेकर प्रदेश भर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। रायसेन जिला प्रशासन ने किसान आंदोलन से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया है। वहीं कोटवारों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला संगठनों के आह्वान पर आज रतलाम में भी आंदोलन के चलते सब्जी की आपूर्ति बाधित रही। इंदौर संभाग में भी किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। जिला कलेक्टर ने बताया है कि जिले के सभी फल, सब्जी और दूध विक्रय केंद्रों पर आज सामान्य दिनों की तरह ही बिक्री जारी है। वहीं आगरमालवा जिले में कलेक्टर ने आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी है। उधर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने आज कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं और सरकार को मांगों के संबंध में सीधे आदेश जारी करना चाहिए। भोपाल में आंदोलन के संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि किसानों की मुख्य मांगों में फसल का लाभकारी मूल्य, किसानों की कर्ज माफी, लघु किसानों की आय सुनिश्चित करने और फल, सब्जी, दूध और दूध पर लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया जाए। प्रदेश में बनाई गई नई हीरा नीति के तहत अब पन्ना जिले की उथली हीरा खदानों से मिलने वाले हीरों की नीलामी अब हर माह जिला मुख्यालय पर होगी। वहीं खदानों से लिए जाने वाले हीरों को शासन के कार्यालय में जमा करने पर 50% राशि का भुगतान तुरंत और बाकी राशि का भुगतान 7 दिनों के अंदर किया जाएगा। इस फैसले से हीरे की बढ़ती कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में आज से वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अतिरिक्त मानदेय राशि ₹2000 प्रतिमाह में वृद्धि कर 7000 निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय ₹3000 को मिलाकर अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹10000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं का अतिरिक्त मानदेय ₹1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹3500 निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय ₹1500 को मिलाकर अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹5000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग के 75% और अन्य वर्गों के 85% या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। ये कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड मैदान में 9 जून को होगा। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने स्पष्ट किया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी योजना में लैपटॉप खरीदने के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रदेश में किसानों की तरह मत्स्य पालकों को फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2009 से अब तक लगभग 63,000 विभिन्न वर्ग मत्स्य पालक समिति के सदस्यों को इससे लाभान्वित किया जा सका है। वर्ष 2018-19 में 10,000 मत्स्य पालकों के क्रेडिट कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मत्स्य पालन मंत्री अंतर सिंगारे ने जानकारी देते हुए बताया है कि योजना की शुरुआत में मत्स्य पालकों को 3% ब्याज दर पर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए गए थे, जिसे वर्ष 2011-12 में घटाकर 1% और वर्ष 2012-13 में ब्याज दर पर 0% कर दी गई है। प्रदेश के 8 जिलों में नंदघर योजना के तहत 200 आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा। इन केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण आहार और प्राथमिक शिक्षा देने के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रदेश में देवास, डिंडौरी, गुना, रीवा, बुरहानपुर, उज्जैन, विदिशा और रतलाम में 25-25 आंगनवाड़ी भवनों को स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक नंदघर का निर्माण किया जाएगा। आंगनवाड़ियों में सौर ऊर्जा आधारित उपकरण लगाए जाएंगे। वहीं केंद्रों में शुद्ध पेयजल, डिजिटल मीडिया के जरिए ई शिक्षण और माताओं और शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने निजी और सार्वजनिक भागीदारी से ये योजना शुरू की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमाला जिले में कल शाम हुई प्री मानसून बारिश से समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई खुले में रखी गई लगभग 4000 क्विंटल फसल भीग गई। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया कल शिवपुरी जिले के ग्राम मोहनगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 16 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से सड़क का शिलान्यास किया।
धार जिले में आज से मलेरिया निरोधक माह शुरू हुआ। इसके तहत रोग से बचाव मलेरिया रथ द्वारा गांवों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।